कोल्ड ग्राइंड करने के लिए लाखों रुपया खर्च देते हैं लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। अब जो वो चक्की चल रही थी उसका मैकेनिज्म जो है 100 से भी ज्यादा साल पुराना आपको हम दिखाएंगे। तो आप ये देखिए, ये पंखा है स्पेशल, मतलब 100 साल पहले भी ऐसे घूमता है जैसे इसके ऊपर पानी गिरता है। ये वही पानी है जिसकी पावर से ये हमारा क्राट जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। इस जगह की वाइब्स ही अलग हैं, इस जगह की वाइब्स ही बहुत प्यारी हैं, आपको पूरा बढ़िया वाला फील यहाँ पर आएगा। स्वागत है आपका फूड टेस्टर पर। भाई साहब, हमें बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि आप बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें बताते हो, इतनी पुरानी होती हैं या नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आज हमारे पास सबूत मौजूद है। तो आप देख सकते हैं रानी वाली मार्च 1911, मतलब कह सकते हैं कि 111 साल हो चुके हैं इस चीज़ को बनी को और अभी भी ये चल रही है। ये क्या है? ये है क्राट, अंग्रेजों ने इसको बनाया हुआ है। 110 साल पुराना जो क्राट है वो अभी भी चल रहा है। इसको कह सकते हैं कि ये पानी चक्की है, पानी से चलने वाली चक्की है और इतनी भारी चक्की जो है वो पानी की ओर से चल रही है। कोई इसमें बिजली, कोई इसमें और ऊर्जा नहीं यूज़ की गई। ये आप देख सकते हैं लगातार ये पान चक्की से बन रहा है आटा, और देखिए आप बहुत ही स्लो स्पीड में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कह सकते हैं चल रहा है। कोई इसमें ज़रूरत नहीं है किसी भी शक्ति की, सिर्फ ये पानी के साथ चलती है और ये ठंडा आटा होता है। ये आटे की क्या खासियत है? मतलब सूड़ा भी नहीं निकलना है बिचों बकरा। कोई चीज़ नहीं निकली, मैं इतना खोल लूँगा। क्या बात है। तो भाई साहब, हम भी हैरान है ऐसी चीज़ से कि हाथ में अगर आप भी पकड़ोगे ना तो आपको भी लगेगा बिल्कुल ही ठंडा आटा है। हीट क्या करती है? हीट जो है वो जो हमारा गेहूं है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको कम कर देती है और जो फाइबर वगैरह है उसको भी जला देती है। बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं हीट के साथ, पर ये जो है पानी के साथ चलती हुई चक्की जो है वो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से ठंडा आटा बनाती है। कोल्ड ग्राइंड करने के लिए लाखों रुपया खर्च देते हैं लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। कोल्ड ग्राइंड आटा जो है वो आप यहाँ पर पिसवा सकते हैं। ये भाई साहब है जी रानी वाली, बिल्कुल ही अमृतसर के पास में ये पड़ जाती है जगह, और इनके हम नंबर भी यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देंगे, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आटा मंगवा भी सकते हैं अमृतसर में। ये भाई हमारे जो हैं ये आपको आटा घर में आपके दे भी देंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भी उसी तरह से ही पावर से ही चल रहा है तो ठंडा आटा कैसे है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसा पत्थर रहता है जिस पत्थर के नीचे से पानी चलता है, तो पानी की वजह से भी ये ठंडा हो जाता है, इसलिए ये आटा जो है। और भी वैसे तो अगर कोई भी चीज़ ग्राइंड होगी तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन साथ साथ पानी के साथ जो है वो आटा जो है वो ठंडा होता जाता है। और ये सच में कोल्ड ग्राइंड आटा है, और ये अगर हम देखेंगे तो इनका ऊपर वाला भी जो खरास है वो भी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये इसके सारे के सारे न्यूट्रिशन आपको ही मिलेंगे, और ये आटे को आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप रियली अप्रिशिएट करेंगे इस सारी पान चक्की को और पुरातन चीजें जो है वो इन्होंने संभाली हुई है। तो मतलब क्या है कि इन्होंने रेट भी जो है आम चक्कियों जो हमारी बिजली से चलने वाली चक्कियां हैं उनसे इन्होंने रेट भी बहुत जायज रखा है। हम अपने मित्रों को ये कहेंगे कि आप यहाँ पर एक बार इनका कोल्ड ग्राइंड आटा जो है पिसवा के लेके जाएं, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं लोकेशन। बाकी हमने लोकेशन आपको बता दी है, ये रानी वाली है, बिल्कुल क्लोज टू अमृतसर है, ज़्यादा दूर नहीं है अमृतसर से। तो भाई साहब, ये वही पानी है जिसकी पावर से ये हमारा खरास क्राट जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। तो यही पानी जो है वैसे भी इसने बह जाना था, लेकिन इसकी शक्ति को यूज़ करके आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले ये चीज़ें बनाई हुई है अंग्रेजों ने, तो ये अभी भी चल रही है। आटा फर्क लगता है? आटा हाँ, आम चक्के बहुत बढ़िया फर्क है, ते रोटी खाने भी बढ़िया लगती है। रोटी खाने भी बढ़िया लगती है? हाँ जी हाँ जी। मतलब आटा बढ़िया कहाँ है? हाँ जी, आटा बहुत बढ़िया भाजी। क्या आटे तो बगैर भी कुछ कर दे जी? माल डंगर का बन जा। अच्छा जी। ते जे चौलों का आटा बनाना रोज बन जाता है, मक्की का आटा। तो भाई साहब, अगर आप दलिया बनवाना चाहते हैं खाने के लिए वो भी आप यहाँ से बनवा सकते हैं, आप पशुओं को डालने के लिए एक दलिया होता है वो भी बनवा सकते हैं, और आप यहाँ पर मक्की का आटा जो है वो भी यहाँ पर पिसवा सकते हैं बिल्कुल बारीक और बढ़िया वाला। तो भाई साहब, जो वो चक्की चल रही थी उसका मैकेनिज्म जो है 100 से भी ज़्यादा साल पुराना आपको हम दिखाएंगे। तो आप ये देखिए, ये पंखा है स्पेशल,
मतलब 100 साल पहले भी ये ऐसे घूमता है, जैसे इसके ऊपर पानी गिरता है तो पानी की फोर्स से इसके जो ब्लेड हैं उस डायरेक्शन में लगाए हुए हैं कि जैसे इसके ऊपर पानी गिरे तो इसमें जो है मूविंग जो कह सकते हैं सर्कुलेट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है और जो चक्की है वो चलनी शुरू हो जाती है। और आप देखिए भाई साहब 100 साल पहले की ये टेक्नोलॉजी, और ये आप नीचे देखिए 111 साल हो गए ने, क्या बात है, बने नू। अच्छा जी, ये हो चलदा जो ये ला दीदा और पा दीदा, वाह वाह, चलदा रहंदा। मतलब अब बैरंग दी भी लोड नहीं जी, आ की है जी, आ गई चीज है जी, पत्थर पत्थर ही इदा दा लाया, हां जी, पानी बाजा ते ये फिर चलदा। अच्छा जी, ये चलदा पानी बाजा, क्या बात है, ओदे नाल चक्की घूमन, ओदे नाल चक्की घूमदी पानी। हमारे हरी सिंह जी जिन्होंने हमें सारी पुरानी चीजों के बारे में जानकारी दी है, बहुत धन्यवाद हरी सिंह सर। वो पूरा मैकेनिज्म दिखाया था कि यहाँ से जो पानी आ रहा था, जो खरास को, जो चक्की को चलाने वाला पानी है वो यहाँ से ही निकल रहा है, मतलब उसकी पावर को यूज करके जो पानी है वो यहाँ से जा रहा है। तो यही जो मैकेनिज्म है उसी के साथ ही बड़े बड़े डैम्स में बिजली बनती है और यहाँ पर ये चक्की चल रही है। और आप यहाँ पर आएंगे तो आपका एक छोटा सा पिकनिक भी हो जाएगा, साथ में आप बढ़िया वाला आटा ले जाइए और साथ में ये सारी पुरातन चीज़ें, बढ़िया वाली चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। और बहुत ही आपको बढ़िया, इस जगह की वाइब्स ही अलग हैं, इस जगह की वाइब्स ही बहुत प्यारी हैं, आपको पूरा बढ़िया वाला फील यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे भाई साहब हैं विक्की भाई, जो अभी अमृतसर से आए हैं स्पेशली आटा लेने के लिए। और भाई वीडियो देखा है कोई जगह? हाँ जी, हाँ जी, वीडियो देखी, नहीं अगे भी खड़े पहले। अच्छा, हाँ जी, वीडियो देख के, वीडियो देख के। हाँ जी, मान लो हम तो अमृतसर आए थे गड्डी लाए के स्पेशल आटा लेना। हाँ, स्पेशल आटा लेना। क्या बात है, बहुत धन्यवाद विक्की भाई। अमृतसर से तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर दूर रहेगा ये रहने वाली, आप गूगल पे सर्च करेंगे मैप पे तो भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर प्रॉपर लोकेशन मेंशन है कि रहने वाली वाटर मिल के नाम से आपको लोकेशन भी मिल जाएगी गूगल मैप पे। तो हमारे जो भाई प्यारा सिंह जी हैं उन्होंने इस विरासत को संभाला हुआ है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज फूड टेस्टर को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके खाने पीने वाली वो हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।